नमस्कार दोस्तों दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है नागालैंड, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, अर्थात अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 25। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10, अर्थात 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क है? ऑप्शन ए उड़ीसा में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी असम में और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी असम में, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है? फिर आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी बाढ़ नियंत्रण, ऑप्शन सी दूध का आयात और ऑप्शन डी है डेयरी विकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी डेयरी विकास, ऑपरेशन फ्लड डेयरी विकास किसे संबंधित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए सख्त मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी दोमट मिट्टी और ऑप्शन डी लाल मिट्टी। इसका सही आंसर है दोमट मिट्टी, धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नागपुर, ऑप्शन नंबर बी रायपुर, ऑप्शन नंबर सी भोपाल और ऑप्शन नंबर डी है लखनऊ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी भोपाल, जो भोपाल है वो भारतीय शहर हेवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक विज्ञ को जाता है उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए वेंकट रमन, ऑप्शन बी सीताकांत महापात्र, ऑप्शन सी डॉक्टर वर्जीस कुरियन, ऑप्शन डी जयंत नार्लिकर। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, अर्थात भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर वर्गीस कुरियन को जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर संबंधित है? ऑप्शन ए है सौर ऊर्जा से, ऑप्शन बी है सिंचाई से, ऑप्शन सी नाविकीय ऊर्जा से और ऑप्शन डी है जल विद्युत से। इसका सही आंसर है जल विद्युत से, अर्थात राणा प्रताप सागर जल विद्युत से संबंधित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन बी 30 जनवरी, ऑप्शन सी 4 जुलाई और ऑप्शन डी है 21 सितंबर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 4 जुलाई, पृथ्वी पर सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सप्तमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका पहला ऑप्शन है ईश उपनिषद, दूसरा है मुंडक उपनिषद, ऑप्शन सी है कट उपनिषद और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है मुंडक उपनिषद। भारत में जो राज चिन्ह में प्रयोग होने वाला शब्द है सत्यमेव जयते उसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? हमारे सामने चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद और ऑप्शन डी है अथर्ववेद। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ऋग्वेद, गायत्री मंत्र ऋग्वेद पुस्तक से लिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? सबसे पहला ए ऑप्शन है पर्शियन, बी रोमन, ऑप्शन सी देवनागरी और ऑप्शन डी है पाली। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी देवनागरी, हिंदी जो लिपि लिखी जाती है वह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया है? ऑप्शन ए है जेम्स प्रिंसेप, ऑप्शन बी जॉन मॉर्सल, ऑप्शन सी जॉन एक्फ्लीट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप, अर्थात ब्राह्मी लिपि को जेम्स प्रिंसेप ने स्पष्ट किया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 21 जनवरी, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी 28 फरवरी और ऑप्शन डी है 23 मार्च। तो हमारा सही आंसर है 28 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 29 मार्च, ऑप्शन बी
29 अगस्त, ऑप्शन सी 20 सितंबर और ऑप्शन डी है 2 दिसंबर। तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन बी 29 अगस्त। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 अगस्त, ऑप्शन बी 13 सितंबर, ऑप्शन सी 2 दिसंबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा सही आंसर है ऑप्शन सी 2 दिसंबर। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी 18 फरवरी और ऑप्शन डी 21 फरवरी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 15 फरवरी, ऑप्शन सी 14 सितंबर और ऑप्शन डी है 18 दिसंबर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 14 सितंबर। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मार्च, ऑप्शन बी 9 अगस्त, ऑप्शन सी 5 सितंबर और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 5 सितंबर। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 दिसंबर, ऑप्शन बी 28 फरवरी, ऑप्शन सी 14 मार्च और ऑप्शन डी है 5 अगस्त। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 23 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 अप्रैल, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 1 जुलाई और ऑप्शन डी 1 जून। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 1 जुलाई को। चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 7 अगस्त, ऑप्शन बी 16 सितंबर, ऑप्शन सी 4 दिसंबर और ऑप्शन डी है 8 फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 4 दिसंबर। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 2 जून, ऑप्शन बी 14 जुलाई, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर और ऑप्शन डी है 19 नवंबर। हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 19 नवंबर। राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 मई, ऑप्शन बी 11 फरवरी, ऑप्शन सी 11 अप्रैल और ऑप्शन डी है 11 जुलाई। हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए 4 सितंबर, ऑप्शन बी 7 दिसंबर, ऑप्शन सी 26 फरवरी और ऑप्शन डी है 15 जनवरी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 15 जनवरी। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विधि दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 अक्टूबर, ऑप्शन बी 26 नवंबर, ऑप्शन सी 26 दिसंबर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी 26 नवंबर। राष्ट्रीय विधि दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 फरवरी, ऑप्शन बी 21 मार्च, ऑप्शन सी 25 अगस्त और ऑप्शन डी है 17 सितंबर। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी 25 अगस्त। तो मलेरिया दिवस 25 अगस्त को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 13 फरवरी, ऑप्शन सी 15 मार्च और ऑप्शन डी 22 अगस्त। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 30 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचिका दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अगस्त, ऑप्शन बी 15 सितंबर, ऑप्शन सी 12 दिसंबर और ऑप्शन डी 8 फरवरी। तो हमारा सही आंसर है 15 सितंबर। संचिका दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 29 जनवरी, ऑप्शन बी है 18 फरवरी, ऑप्शन सी है 21 अगस्त और ऑप्शन डी है 20 मार्च। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी 20 मार्च। सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस 20 मार्च को हम मनाते हैं।